सब्सटेंस को हम उसके कांस्टेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं मींस वो सब्सटेंस किस किस से मिलके बना है वो हमें ऑप्टेन हो जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल सो द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोड्यूसेस कोक कोल टार कोल गैस एंड अमोनिकल सोल्यूशन जो भी हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें ये फोर सब्सटेंसेस मिलते हैं डेट इज कोक कोल तार कोल गैस एंड अमोनिकल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कोक कोक इज एन एमोरफस फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच इज ड्राइव फ्रॉम कोल कोक क्या होती है कोल cool का एमोरफस फॉर्म होती है कार्बन की जो हमें डराइव होती है कोल से इट इज अ ब्लैक porous solid substance that burns without smoke and it contains about 98% of carbon and it is a good reducing agent and a bad conductor of heat and electricity and coke is prepared by the destructive distillation of coal so all these are the properties of <coughs> coke now coke is of two types first one is the hard coke and next one is the soft coke so hard coke is a light

एक्स्ट्रेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दरअ अगर हमें मेटल को एक्सट्रेक्ट करना है उनकी ओर से दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज कूक एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द मैफेक्चर ऑफ वाटर गैस वाटर गैस क्या होता है इट इज अक्सर ऑफ सीओ एंड एस टू सीओ मीन कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूसर गैस दैट इज अक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड इज ऑल्सो यूज फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ आर्टिफिशियल क्लिफाइड द नेक्स्ट सबस्टांसिस One of the substances which we obtain from destructive distillation of coal is coal tar. So coal tar is a foul-smelling dark brown liquid. These are the properties. On fractional distillation, it furnishes a number of useful organic compounds that are used for making dyes, drugs and explosives. Next is a coal gas. It is purified coal gas. It is used as an industrial and a, as a household fuel and next is the ammonical solution it is used in the preparation of artificial fertilizers so all these are the different substances or you can say the product which we get after the destructive distillation of coal